प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हमारे साथ है। सर, 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, आपका भी खजुराहो से नाम, पहली क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं सबसे पहले तो खजुराहो की जनता का पुनः मुझे सेवा करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी ने दिया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि 5 साल हमने अच्छा काम करने का प्रयास किया और फिर अवसर मिला है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हम हृदय से धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में है, विदिशा सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई वरिष्ठ नेताओं को भी अवसर मिला है, सबको बहुत बधाई। 2014 में 29 में से 27, 2019 में 29 में से 28, इस बार 29 में से 29, चलो 29 की 29, और हम चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ रहे हैं, इस बार हम परचम फहराएंगे। चलिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे हैं पार्टी का, केंद्रीय नेतृत्व का, जो उन्होंने फिर से एक तरह से मौका दिया है। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में है। 2014 में 29 में से 27 सीटें बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीती, 2019 में 29 में से 28 सीटें, और इस बार बीजेपी का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 29 लोकसभा सीटें जीती जाए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।